सो AFM में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी वो है जो अमेंडमेंट में डाला गया था, ओके, न्यू सिलेबस में. सो अकॉर्डिंगली मैं कुछ कुछ थियरी का वीडियोस यहाँ पे शेयर करूँगा. एकदम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, 2 मिनट 5 मिनट टाइप्स, एंड यू विल फाइंड दैट उससे आने का स्कोप बहुत हाई होगा. तो इफ़ यू हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर, डू लिसन टू दिस वीडियो. यू डोंट हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर, ऑल द बेस्ट टू यू. ओके, सो वी आर नाउ डिस्कसिंग द थियरी ऑन एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग. तो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग तो चैप्टर ही नया है सिलेबस में, इट वॉज नॉट देयर इन SFM एट ऑल. तो इसके अंदर जो भी थियरी है वो नया है. हाउएवर ये चैप्टर प्रैक्टिकल है, थियरी नहीं है, यू नो इट, व्हेन वी डिड द प्रैक्टिकल, तो इन दैट केस यू गॉट द आइडिया. ना मेरा एडवाइस तो ये है कि कोई भी पर्सन अगर इसका थियरी कर रहा है विदाउट डूइंग द प्रैक्टिकल चैप्टर, तो आई थिंक टाइम वेस्ट होगा. प्लीज़ अगर आपका प्रैक्टिकल किया हुआ है तो थियरी कीजिए, थियरी स्ट्रेट अवे एडवांस्ड कैबज का मत कीजिए. क्योंकि मोस्ट ऑफ द थियरी इन दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, विच मीन्स दैट सपोज सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर थियरी है, सिमुलेशन के ऊपर थियरी है, सिनेरियो एनालिसिस के ऊपर थियरी है, डिसीजन ट्री के ऊपर थियरी है, इन्फ्लेशन एंड कैबज के ऊपर थियरी है. तो ये सारा थियरी तो प्रैक्टिकल है ना. तो प्रैक्टिकल जिसका किया हुआ है उसको तो 2 मिनट 5 मिनट लगे, थोड़ा इंस्टीट्यूट का पॉइंट से तो देखना है क्या लिखना है. और वो भी नहीं देखे, मन से लिख दिया थियोरी, ठीक है, तो भी मार्क्स मिलेगा ही, मैंने पूरा नहीं मिलेगा पर मार्क्स तो मिलेगा ही. तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा लगेंगे एडवांस्ड कैबज में, किसा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है थियरी के, बट वो प्रिपेयर किया हुआ है कहाँ पे प्रैक्टिकल में. तो कई बार मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, आई विल हिंट एट द प्रैक्टिकल एंड गिव यू द इंडिकेशंस क्या लिखना है एंड मूव अहेड. मेरा पर्पस थियरी कराते समय सिंपल है, समय वेस्ट नहीं करना है पर एट द सेम टाइम मार्क्स उठाना है. एंड अपना जो मेरा जो मैट है थियरी का उसके अंदर मैंने सिंस आदमी को बोरिंग नहीं लगे तो रियल लाइफ इलस्ट्रेशन दिया है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का शॉर्ट समरी दिया है. ठीक है, होता है ना कोई स्टूडेंट बोले यार शॉर्ट पे देख लेते ICI का क्या पॉइंट्स है, तो शॉर्ट समरी है और एट द सेम टाइम थोड़ा समझते हो सर एग्जांपल से, तो भाई समझ ले दैट वे. ठीक है ना, चलिए एडवांस कैबज का थियरी स्टार्ट करते हैं. सब छोटा 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 लेक्चर्स होने वाला है जहां पे समय वेस्ट नहीं करेंगे. थैंक यू. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट थियरी क्वेश्चन. एडवांस कैबज का फर्स्ट थियरी क्वेश्चन है करंट ट्रेंड्स इन कैपिटल बजटिंग. लेट मी शो यू द थिंग, करंट ट्रेंड्स इन कैपिटल बजटिंग. ना मेरे को लगता है ऐसा थियरी आने का स्कोप बहुत ही कम है कि व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स इन कैपिटल बजटिंग, बट इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट बिकॉज मैट में दिया हुआ है. तो करंट ट्रेंड्स इन कैपिटल बजटिंग में इंस्टीट्यूट ने केवल यही बताया है कि इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनका आजकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कैबज के ऊपर. यानी आपको मार्क्स क्या चीज़ का मिलेगा, 3 पॉइंट्स मेनली लिखने का, इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसी. एक बार मैं इंस्टीट्यूट का जो राइटअप का समरी है वो दिखाता हूँ, देख लीजिए प्लीज, शॉर्ट समरी ऑफ ICAI राइटअप. तो ये जो है कि करेंटली जो ट्रेंड है कैबज में कि इन्फ्लेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज में हाइपर इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है, प्लस इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल, यू नो पूरे के पूरे 2022 वाज एन ईयर ऑफ इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन कैबज को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो अब मैं वो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैबज, वो तो अलग थियरी अपना प्रैक्टिकल में भी किया हुआ है. वैसे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट या सर्विस रिडंडेंट हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा. और गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट, आज गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कितना सब्सिडी किया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, और सब्सिडी जब पुल कर रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है. गेमिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने, आपको पता है गेमिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ना. तो प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और इन्फ्लेशन, वो करंट ट्रेंड चल रहा है, यही लिखना है. ओके, किसी को प्रिपेयर करना है एकदम लाइन बाय लाइन बाय हार्ट बाय कर लो, बट अदरवाइज अगर मैं एडवाइस दे रहा हूँ यू शुड बी नोइंग द पॉइंट्स जो लिखना है. ओके, वो आपका क्लियर कट होना चाहिए. ओके, थैंक यू. ओके, नाउ वी आर इन द नेक्स्ट थियरी क्वेश्चन, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बजटिंग. नाउ बिलीव मी ये तो पूरा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है. अपना मेन चीज क्या था कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक DCF में देर शुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन द कैश फ्लोज एंड द डिस्काउंट रेट. इफ द कैश फ्लोज आर नॉमिनल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन द डिस्काउंट रेट शुड बी नॉमिनल. इफ द कैश फ्लोज आर रियल, ओके, मैंने एट करेंट परचेसिंग पावर, डिस्काउंट रेट शुड ऑल्सो बी वॉट रियल. सो नॉमिनल कैश फ्लो शुड बी डिस्काउंटेड एट नॉमिनल रेट, रियल कैश फ्लो शुड बी डिस्काउंटेड एट रियल रेट. इसमें गौर करने लायक बात यह है कि जो डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड है दैट इज अ नॉमिनल कैश फ्लो, उसके अंदर आपको इन्फ्लेशन मिलाना नहीं है.
बिकॉज जो भी प्लांट का दाम लगा है उसके बेसिस पे ही डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स अथॉरिटी अलाउ करेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिंस प्लांट का दाम बढ़ते जाएगा वो लोग ज्यादा डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट अलाउ करेगा, तो जो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड डिस्टॉर्शन कॉज करता है, बिकॉज रेवेन्यू गोज अप बाय इन्फ्लेशन, एक्सपेंस गोज अप बाय इन्फ्लेशन, में भी अलग अलग, बट डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड इज ऑलरेडी नॉमिनल, वो फिक्स्ड है, उतना ही अमाउंट है। ओके, सो इन्फ्लेशन एंड कैपबज में नॉमिनल कैश फ्लोज नॉमिनल रेट, रियल कैश फ्लोज रियल रेट। मैं तो ये एडवाइस करूंगा आप ये लिख के और डेप्रिसिएशन का जरा सा एक पॉइंट लिख के उसके बाद एक एग्जाम्पल से समझा दो ना कि भाई इयर्स है, ठीक है, और ये रियल कैश फ्लो है, ये इन्फ्लेशन है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, फिर दिखा दो कैसे सम करेंगे। और जो प्रैक्टिकल सम होता है अपने क्लासेस में वही वाला सम आप करके दिखा दो तो बेटर रहेगा। तो डोंट प्रिपेयर दिस थियरी, ओके, जो कॉपी में की है वो काफी है इसके लिए। ओके, सो वी नाउ मूव इनटू द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आई थिंक ये आ सकता है, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो जो फर्स्ट थियरी क्वेश्चन था दैट वॉज द करेंट ट्रेंड्स इन कैपिटल बजटिंग, तो ट्रेंड्स में क्या लिखा हुआ था, इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कैसे चैप्टर जा रहे हैं, ठीक है ना। एनी वेज, टेक्नोलॉजी का और चेंजेस का, मैंने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव बिकम वेरी फ्रीक्वेंट एंड दैट इज वॉट कॉजेज डिसरप्शन। ये अपने सबको पता है कि जो डिसरप्टिव बिजनेसेस है वो टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। तो टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी इग्नोर्ड व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट, द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी कैन चेंज। इन्होंने बोला अगर आप टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं तो इन दैट केस मे बी आपका एफिशिएंसी राइज हो जाएगा, यानी जो काम ज्यादा टाइम में और ज्यादा कॉस्ट में लग रहा था वो काम जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा क्वालिटी इंप्रूव हो सकता है प्रोडक्ट का एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी। उसके अलावा कॉस्ट सेविंग्स हो सकता है, तो एफिशिएंसी, क्वालिटी, कॉस्ट सेविंग्स, मैं इंस्टीट्यूट का पॉइंट्स बता रहा हूँ। If you focus on new technology, it can result in efficiency, it can result in quality upgradation, it can result in cost savings. ये तीनों point ICI ने बोला है, मैं भी दिखा दूंगा ICI ने क्या लिखा है। उसके अलावा बोला है since technology की बात हो रही है तो जो risk analysis का advanced tools है ना, like sensitivity, simulation और scenario, उनको definitely incorporate करना चाहिए decision making में। जब आप सोच रहे हो कि technology का क्या impact होगा तो sensitivity analysis, simulation, scenario, इन तीनों को definitely आप decision making में use करो। उसके अलावा ये भी सोचो जब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं 5-10 साल का, द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो क्या पता प्रोजेक्ट को अबैंडन करना पड़ेगा, अबैंडनमेंट ऑप्शन जो रियल ऑप्शन में किए थे ना, अबैंडनमेंट ऑप्शन वो भी कंसीडर करना चाहिए। कहीं कहीं टेक्नोलॉजी ज्यादा ही चेंज हो रहा है तो अपने को डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यानी क्या किया है सोचो आंसर में, आंसर में शुरू में ज्ञान दिया कि टेक्नोलॉजी की वजह से एफिशिएंसी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट सेविंग्स हो सकता है, फिर बोला उसको इनकॉर्पोरेट करें, कैसे करें, एडवांस्ड रिस्क एनालिसिस टूल यानी कि सेंसिटिविटी सिमुलेशन सिनेरियो के हेल्प से। वो बोला कि प्लीज रियल ऑप्शन में जो अबैंडनमेंट ऑप्शन होता है उसको भूलना मत, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से प्रोजेक्ट को हो सकता है अबैंडन करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में बोला डिस्काउंट रेट RADR जो होता है ना वो भी हो सकता है आपको एडजस्ट करना चाहिए। लेट्स लुक एट द शॉर्ट समरी ऑफ द इंस्टीट्यूट राइटअप। तो ये आपको दिख रहा है ये शॉर्ट समरी इंस्टीट्यूट राइटअप का। तो पहले तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा इंप्रूव्ड क्वालिटी, कॉस्ट रिडक्शन, चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके बाद वो बोल रहा है सेंसिटिविटी सिनेरियो सिमुलेशन को यूज करो, उसके बाद वो बोल रहा है कि अबैंडनमेंट ऑप्शंस को कंसिडर करो, ठीक है। तो वो सेम टू सेम जो मैंने बोला, अगर आप 2 मिनट सुने मेरा तो पूरा आंसर आपका प्रिपेयर हो गया, ठीक है ना। अफकोर्स आप ICI के राइटअप को देख सकते हैं, तो दैट्स हाउ इट इज डिजाइन। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है पॉइंट वाइज प्रिपेयर करना। Okay, so the next theory question is on impact of changes in government policy in capital budgeting decisions. The fact that government policies, whether related to taxation, जैसे आपको याद है निर्मला सीतारमन ने किस तरह से टैक्स रेट को कट किया था और वो भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए तो 15% लेवल पे ले आया था, ठीक है। तो whether it is regarding taxation, whether it is regarding sectoral importance, that is government क्या electric vehicles पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, government क्या infrastructure पे ज्यादा thrust दे रहा है, गवर्नमेंट क्या ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो गवर्नमेंट का थ्रस्ट क्या चल रहा है। अगर बिजनेस हाउसेस अगर ये बिलीव करता है कि गवर्नमेंट थोड़ा लंबा चलने वाला है जैसे मोदी गवर्नमेंट चला, एंड दे अंडरस्टैंड द थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इन दैट केस दे कैन अलाइन देयर प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंगली। माने ये सब कॉमन सेंस का आंसर है। इसमें टैक्सेशन के बारे में क्या है, कौन सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा है, गवर्नमेंट का जो अप्रूवल्स होता है ना, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह वगैरह, वो चेंज होता रहता है। दिस करंट गवर्नमेंट बिलीव्स इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो कहाँ पे बर्डन रिमूव हो रहा है। फिर गवर्नमेंट का जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होता है ऐसे डिफेंस को लेके, जैसे चाइना से प्रॉब्लम हुआ तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंडिया पे फोकस करेगा, PLI स्कीम आया, ठीक है। तो ये सारा का सारा दिखाता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग को गवर्नमेंट से अलाइन करना। और ये अलाइन करते समय
अपने को वेरियस सिनेरियोस कंसिडर करना पड़ेगा वाइल कंप्यूटिंग एनपीवी. वी हैव टू परहैप्स इंक्रीज द डिस्काउंट रेट. अबैंडनमेंट ऑप्शन कंसिडर करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने परहैप्स ये कर दिया या वो कर दिया. इफ यू रिमेंबर अबैंडनमेंट रियल ऑप्शन में एक पर्टिकुलर सम था जहां हम लोग बात कर रहे थे कि से एक ऑयल वेल के लिए ड्रिल करें क्या, तो वहां था ओपेक पता नहीं क्या डिसीजन लेता है, ऑयल आउटपुट कम करता है या बढ़ाता है, उसके बेसिस पे ऑयल प्राइस डिटरमिन होगा. तो वी हैड डिस्कस्ड द सेम. तो वैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल परवेसिव. इकोनॉमिक ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स का, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही फोकस्ड है. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी जेनरिक थ्योरी क्वेश्चन जिसमें वैसे कुछ प्रिपेयर करने का नहीं है. एक बार आपको रीड करना पड़ेगा सो दैट एक पिकअप रहे, बट अदरवाइज ज्ञानबाजी कर सकते हैं. ठीक है, टैक्सेशन सेक्टर्स, पीएलआई स्कीम, चाइना प्लस वन पॉलिसी, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का थ्रस्ट. तो गवर्नमेंट का थ्रस्ट कौन से सेक्टर्स पे है, ठीक है, वो सारा करते हुए आपको एग्जांपल्स के हेल्प से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये वाला आंसर. ठीक है, बट इट्स एन इजी प्रिपरेशन. आई वुड से इट्स अ नो प्रिपरेशन. नेक्स्ट, देयर इज अ थ्योरी क्वेश्चन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क एडजस्टमेंट या रिस्क इन कैपिटल बजटिंग. नाउ बहुत ही कमती चांस है ऐसा थ्योरी आने का, बिकॉज मेरे ख्याल से इनको देना ही होगा, तो ये लोग सेंसिटिविटी या सिमुलेशन इसके अंदर जाके थ्योरी देंगे. जनरल रिस्क के ऊपर थ्योरी का कमती स्कोप है, बट यहाँ पे जब अपने क्लासेस प्रिपेयर कर रहे थ्योरी का तो कुछ भी छोड़ रहे नहीं है. कोई चीज़ कम इंपॉर्टेंस है, कोई चीज़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स फाइन. ठीक है, बट लेट्स डिस्कस इट आउट. तो रिस्क का क्या क्या इंपॉर्टेंस है. तो आईसीआई ने एक्सप्लेन किया है कि तीन सिचुएशन होता है. वन इज कैपिटल बजटिंग अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेंटी. सो वन इज कैपिटल बजटिंग अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेंटी. सर्टेंटी मतलब नो रिस्क, पता है यही कैश फ्लो आएगा, ऐसा प्रोजेक्ट होता थोड़ी है. सेकेंड होता है कैपिटल बजटिंग अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क, और थर्ड होता है कैपिटल बजटिंग अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेंटी. सर्टेंटी, रिस्क एंड अनसर्टेंटी. आई थिंक आपको पता होगा रिस्क और अनसर्टेंटी में क्या डिफरेंस है. अनसर्टेंटी ऐसा सिचुएशन है जहां पे यू कैन नॉट इवन असाइन प्रोबेबिलिटीज. इसका होने का चांस क्या, इसका होने का चांस क्या, आपका आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी नहीं पता. ब्लैक स्वान इवेंट जो बोलते हैं, अचानक से कुछ हो जाएगा. और रिस्क मतलब क्या होता है, ठीक है वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज. ये पॉसिबिलिटीज और ये उनका प्रोबेबिलिटीज है, उसको बोलते हैं रिस्क. तो रिस्क मींस पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज आर इन्वॉल्वड. ठीक है, एंड हेंस रिस्क एनालिसिस शुड बी डन, बिकॉज अगर एक प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है तो उस पर डिस्काउंट रेट अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी यूज कर सकते हैं. आप तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, या अपने को उसको एक्सप्लोर करने के लिए सेंसिटिविटी सिमुलेशन रिस्क फैक्टर्स के अंदर जाके शॉक देना पड़ता है. ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टिंग रिस्क व्हाइल टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. बस यही लिखा हुआ है. यू वांट टू हैव अ लुक एट व्हाट आई हैव इंक्लूडेड इन माय मैट. देखिए, तो ये दिया हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिया पहले, उसे एक्सप्लेन किया हाई डिमांड लो डिमांड सिनेरियो. उसके बाद मैंने आईसीआई के राइटअप में बताया कि सर्टेंटी रिस्क अनसर्टेंटी तीन केस दिया, एसडी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और क्यों रिस्क असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज इन कि अगर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए. ठीक है ना, तो बहुत ही इजी स्टफ है जो लिखा हुआ है. आई डोंट थिंक ये आएगा एग्जाम में, बट कुछ भी छोड़ना नहीं है. ठीक है ना, ओके चलिए. सो लेट्स कम टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. मैं पहले से मैं बोलते हुए मुस्कुरा रहा था. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, बिकॉज ये प्योर बीकॉम स्टार्ट हो गया. ओके, कि व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल डिसीजन, व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. द इंटरनल फैक्टर्स में बोला है एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और एक कंपनी स्पेसिफिक. प्रोजेक्ट एक कंपनी का से 6 प्रोजेक्ट है, तो हर प्रोजेक्ट तो यूनिक है, उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या है. कंपनी स्पेसिफिक, कंपनी का मैनेजर चेंज हो जाए, सीईओ चेंज हो जाए, कंपनी का क्रेडिट रेटिंग चेंज हो जाए, कंपनी के ऊपर कोई लीगल चैलेंजेस आ जाए, दैट इज कंपनी स्पेसिफिक. तो इंटरनल में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक. एक्सटर्नल में इंडस्ट्री, बिकॉज कंपनी के पास क्या इंडस्ट्री. तो हम लोग अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कोई रेगुलेशन चेंज होगा. अभी चेंज हुआ था शायद क्या, तो गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन लाया था, अभी ध्यान नहीं मेरे को, कि जहां पे डॉक्टर्स लोग रेकमेंड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कंपनी का मेडिसिन लो. दे कांट रेकमेंड क्रोसिन, ओके, पर दे कैन रेकमेंड द जेनरिक वर्जन ऑफ इट, बट नॉट द पर्टिकुलर ब्रांड. ओके, सो ये रेगुलेशन लंबा छोटा रेगुलेशन हो गया ना इंडस्ट्री के लिए. तो वैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड रिस्क, या फिर मार्केट रिस्क, ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड रिस्क, कॉम्पिटिशन रिस्क, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए. इस तरह बीकॉम वाइज मैं तो बैठा नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ क्या क्या पॉइंट्स है. ओके, तो ये है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इसमें ये दिया है देखो आईसीआई ने, इंटरनल में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक, और एक्सटर्नल में इंडस्ट्री, मार्केट, कॉम्पिटिशन, तीन तो मैंने बोल ही दिया.
रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, वो तो वही मार्केट रिस्क हो गया फालतू का, और फिर दे दिया इंटरनेशनल रिस्क ग्लोबल। ठीक है, ये पॉइंट्स एकदम आने चाहिए, अगर आंसर क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट्स आपके डेफिनेटली दिखने चाहिए आंसर में। ठीक है, और बाकी दाया बाया कुछ भी लिख देना, बट ये पॉइंट्स शुड बी देयर। तो ये आंसर था उसका, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। उसके बाद एक थियोरी क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। तो मेथड्स याद, अपने चार्ट बनाए थे, वन इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जिसमें अपने मेन स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, दूसरा कन्वेंशनल टेक्निक्स जिसमें अपने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट और आरएडीआर करते हैं, और तीसरा अदर टेक्निक्स जिसमें सेंसिटिविटी सिमुलेशन सिनेरियो और डिसीजन ट्री। ठीक है, तो ये सारा मेथड्स आपको पता है, ऑफ कोर्स राइटअप में बड़े से लिखा हुआ 1.5-2 पेजेस में, उसे मतलब नहीं है। मेथड्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग, तो स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, कन्वेंशनल टेक्निक्स, अदर टेक्निक्स। स्टेटिस्टिकल में एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसके अलावा कन्वेंशनल में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट और आरएडीआर, और अदर टेक्निक्स में सेंसिटिविटी सिमुलेशन सिनेरियो और डिसीजन ट्री। आई एम श्योर कोई सोचेगा नहीं कि सर ने इतना फटाफट कैसे बोल दिया, लिखाया क्यों नहीं, बिकॉज अगर प्रैक्टिकल में सीख चुके हैं फिर हौले हौले यार टाइम वेस्ट करेंगे, अब तो हाइट्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट डिसीजन पे अगर थियरी आ गया तो बिलीव भी नहीं आएगा, ओके, क्योंकि रिप्लेसमेंट डिसीजन के ऊपर तो प्रैक्टिकल आएगा ना, आज तक थियरी आया थोड़ी है। आई थिंक स्किप कर सकते हैं, 2 मिनट में बोल देता हूँ। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन आपको पता है, कोई भी कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को बीच बीच पर रिप्लेस करना पड़ता है, ओके, इधर टू इंक्रीज द कैपेसिटी और टू डिक्रीज कॉस्ट एंड एफिशियंसी। तो कंटिन्यूटी इंश्योर होता है बिजनेस में, एफिशियंसी आता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, दीज डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द रनिंग ऑफ अ कंपनी। नाउ रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट में अपने प्रिंसिपल क्या है, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस द सैलवेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन। वैसे ही आप इंक्रीमेंटल बेनिफिट निकालोगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालोगे, डिस्काउंट रेट से एनपीवी निकालोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट डिसीजन अगर आ गया थियरी में, बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, खैर हमने कुछ छोड़ा नहीं है, कवर सब कुछ किया। थैंक यू। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एपीवी, नाउ वंस अगेन एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का तो प्रैक्टिकल आना चाहिए, थियरी नहीं आना चाहिए। इनकेस थियरी आता है तो आपको पता है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले उसमें अपने बेस केस एनपीवी निकालते हैं, ये हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हुए कि प्रोजेक्ट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इक्विटी फाइनेंस्ड है, एंड वी कैलकुलेट द बेस केस एनपीवी, अनलीवर्ड कैश फ्लोज एफसीएफएफ डिस्काउंटेड एट, क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड एट द अनलीवर्ड के ई, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा ए, करेक्ट है, उसे निकाले, यूजुअली नेगेटिव आता है। उसके बाद अपने उसमें ऐड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, क्योंकि डेट तो एक्चुअली है ना, तो डेट को जैसे जैसे लौटाएंगे उसके हिसाब से पीएल में जो इंटरेस्ट डेबिट होगा उसका टैक्स जो बचेगा प्रेजेंट वैल्यू, ओके, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। तो एपीवी इज इक्वल टू बेस केस एनपीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। तो बोला जाता है ये ज्यादा बेटर तरीका है कैबेज करने का, इट्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, ओके, मैं स्क्रीन दिखा रहा नहीं हूँ बिकॉज ये सब प्रैक्टिकल में आएंगे, थियरी में आने का स्कोप कम है, तो वाई इलॉन्गेट देम। ठीक है, प्लस कॉपी भी बढ़िया से नोट्स लिखाया होगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल कॉपी थी। सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिमुलेशन से भी थियरी आ सकता है, तो उसमें जो क्लास में किए हैं उसके हेल्प से ही लिखना है। जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस में अपने को पता है ना कि वी शॉक वन फैक्टर एट अ टाइम एंड वी फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑन एनपीवी, है ना, एक फैक्टर को एक बार। उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है सेंसिटिविटी का कि वो सेट्रस पेरिबस अज्यूम करता है, ये सारा मैंने कॉपी में लिखा रखा है। प्लस सेकेंड लिमिटेशन है वो प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं करता फैक्टर्स को कि ये चेंज होने का क्या चांस है, जबकि सिमुलेशन में अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसमें से रैंडमली चेंज होता है साइमल्टेनियसली सारा फैक्टर्स एक साथ, और एनपीवी का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, तो अपने कॉपी में जो लिखाया हुआ वो बढ़िया है, इस कारण से मैं यहाँ पे वो कवर नहीं कर रहा हूँ। सेंसिटिविटी सिम्युलेशन का थियरी आने को आ सकता है, यू मे रेफर टू आईसीआई का मैट या मेरा मैट फॉर द सेम, बट अदरवाइज जो अपने कॉपी में कर रखे हैं वो सफिशियंट है।